घर पर कसूरी मेथी बहुत ही आसानी से बन जाती है। एक बार बनाकर पूरे साल हम इसका आनंद दे सकते हैं। वीडियो के अंत में मैंने बाजार की कसूरी मेथी और घर पर बनी हुई कसूरी मेथी को कंपेयर करके भी आपको दिखाया है। वीडियो अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, आपका स्वागत है, मैं हूँ शिल्पा। यहाँ पर मैंने लिए हैं 4 गुच्छे मेथी के। कसूरी मेथी पूरे साल भर चलेगी, तो ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना उचित रहता है। यहाँ पर मैंने सारे मेथी के पत्तों को डंडियों से अलग कर लिया है। मेथी के पत्तों को मैंने अच्छी तरह से धो दिया है। अब कुछ देर इसी बास्केट में रहने दूंगी, जिससे एक्सेस वाटर निकल जाए। पानी निथर जाने के बाद डाइनिंग टेबल पर एक साफ चादर बिछाकर मैंने इन सभी मेथी के पत्तों को सूखने के लिए रख दिया है। अभी भी ये गीले हैं, रात भर फैन ऑन करके रखूंगी तो सुबह तक ये सूख जाएंगे। देखिए, ये है डे 1। मेथी का पानी पूरी तरह से सूख गया है और मेथी भी सूखनी शुरू हो गई है। मेथी से खुशबू भी आने लगी है। ये है डे 2। काफी अच्छे से सूखने लगी है मेथी, आप आवाज भी सुन पा रहे होंगे। इसे धूप में नहीं सुखाया है, शेड में सुखाया है। मेथी को डायरेक्ट सनलाइट में नहीं सुखाइए, शेड में या छाया में सुखाइए। इससे उनकी खुशबू बरकरार रहेगी। नहीं तो मैंने ऑब्जर्व किया है, अगर हम धूप में डायरेक्टली मेथी को सुखाते हैं तो उस कसूरी मेथी में कम खुशबू हमें मिल पाती है। ये 3रा दिन है, मेथी बहुत अच्छे से सूख गई है, एकदम क्रिस्प हो गई है। आप आवाज़ से भी पहचान सकते हैं, लेकिन मैं इसे एक दिन और शेड में ही सुखाऊंगी, जिससे हल्का सा मॉइस्चर का ट्रेस भी इसमें अगर हो, मेनली इसकी डंडियों में, तो वो भी पूरी तरह से सूख जाए। देखिए, ये डे 4 है, मेथी पूरी तरह से सूख गई है इन 4 दिनों में। आप आवाज सुनिए, एकदम सूख गई है। मेनली हमारा कंसर्न था इनकी डंडियों का, जो कि पूरी तरह से सूख जाने चाहिए। तो आप देखिए, मोटी से मोटी डंडियाँ भी आसानी से टूट रही हैं, बिल्कुल मॉइस्चर अब नहीं बचा है। तो कसूरी मेथी बनकर तैयार है। अब इन्हें इकट्ठा करके मैं एक डब्बे में कलेक्ट कर देती हूँ। एकदम शुद्ध बिना किसी मिलावट की कसूरी मेथी तैयार हो चुकी है। खुशबू लाजवाब है, पूरा कमरा महक रहा है। देखिए, काफ़ी सारी है कसूरी मेथी, हम इसे डब्बे में भर के पूरे साल यूज़ कर सकते हैं। ये कभी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि इसमें मॉइस्चर का ट्रेस बिल्कुल भी नहीं है। 3 लीटर का ये डब्बा है, ये अपनी फुल कैपेसिटी में भर रहा है। डब्बे को बंद करिए, जब भी यूज़ करना हो इसे निकाल कर यूज़ करिए। चलिए, अब आपको कंपेयर करके बताती हूँ। ये है बाज़ार की कसूरी मेथी और ये है घर पर बनाई हुई कसूरी मेथी। अगर रंग की बात करें तो बाज़ार की कसूरी मेथी का रंग डार्क ग्रीन कलर का है और घर पर बनी हुई कसूरी मेथी का रंग लाइट है। सूखने के बाद हर चीज़ का कलर लाइट ही हो जाता है, थोड़ा फेड ही हो जाता है। हमने इसमें किसी भी तरीके का कोई कलर नहीं मिलाया है, इसीलिए ये नेचुरल कलर में है। अगर खुशबू की बात करें तो बाज़ार की कसूरी मेथी को मैं स्मेल कर रही हूँ, इसकी स्मेल अच्छी है। और अगर घर की कसूरी मेथी की बात करें तो दिस इज़ बेटर, खुशबू एकदम आ रही है, फ्रेग्रेंस एकदम निकल रहा है। होममेड कसूरी मेथी की खुशबू आपका पूरा कमरा महका देती है, तो क्वालिटी वाइज भी होममेड कसूरी मेथी का जवाब नहीं है। आप चाहें तो होममेड कसूरी मेथी को भी क्रश करके रख सकते हैं हाथों की सहायता से, जैसे कि बाजार वाली क्रश्ड फॉर्म में मिलती है। यह आपके अपने ऊपर है। मैं इसे ऐसे ही रहने देती हूँ और यहाँ एक टिप आपसे साझा करती हूँ। किसी भी खाद्य पदार्थ में डालने से पहले अपनी हथेलियों के बीच में इसे अच्छे से रगड़ कर डालती हूँ, जिससे हथेलियों की गर्मी से कसूरी मेथी का फ्रेग्रेंस और इन्हेंस हो जाता है और उसे क्रश्ड फॉर्म में तुरंत ही वो उस खाद्य सामग्री में जाती हैं, तो खुशबू बहुत बहुत अच्छी आती है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत कम मेहनत में हम अपने घर पर ही 100% शुद्ध सामग्री बना सकते हैं।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट प्लीज़। मिलूंगी मैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक अपना बेहतर ख्याल रखिएगा। नमस्ते, थैंक्स फॉर वॉचिंग।